चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाले पाकिस्तान के मरूफ अदाकार और कॉमेडियन उमर शरीफ जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए। उमर शरीफ के खानदानी जराए ने अदाकारा की जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल की तस्दीक कर दी है। वजीर आजम इमरान खान की मावन खसूसी शहबाज गुल ने उमर शरीफ के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए कहा है कि अदाकारा की रिहालत पर दिल इंतहाई रंजीदा है। अल्लाह ताला उमर शरीफ को गरी के रहमत करे और पसमंदगान को सबर जमील अता फरमाए। शहबाज गुल का कहना था कि उमर शरीफ को अपने काम के बैस कॉमेडियन की दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल रहा और उन्होंने अपने शानदार काम से नस्ल दर नस्ल नाजरीन के दिल जीते। उमर शरीफ आवाम के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। कॉमेडियन के सुपरस्टार उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकतबाद में पैदा हुए। पाकिस्तान के इस फनकार ने 14 साल की उम्र में स्टेज अदाकारी शुरू की और वो देखते ही देखते कॉमेडियन की दुनिया के किंग बन गए। उन्होंने कॉमेडियन का जो मुनफरिद ट्रेंड मुतारिफ कराया उसमें अवामी लहजा अंदाज और रोजमर्रा के वाकियात का मिजाहिया तजर्बा शामिल रहा है। उमर शरीफ थिएटर और स्टेज ड्रामे के बेताज बादशाह थे। उन्होंने टीवी और फिल्मों में भी अपने फन का मुजाहरा किया है लेकिन इनकी मकबूलियत की बड़ी वजह मिजाहिया स्टेज ड्रामे हैं। उमर शरीफ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और जहां उर्दू बोली और समझी जाती है वहां इनके मदा और मौजूद हैं। उमर शरीफ ने मेजबानी शुरू की तो वहां भी कामयाबी के झंडे गाड़े। उमर शरीफ की खिदमत के एवज इन्हें निगार अवार्ड और तमगा इम्तियाज समेत कई एजाज से नवाजा गया है। सोशल मीडिया ने स्टेज ड्रामों की मकबूलियत तो कम की है लेकिन उमर शरीफ कॉमेडियन का वो सूरज जो कभी गरूब न हुआ। याद रहे कि उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस जर्मनी में अमेरिका में हो गया। अमेरिका में मौजूद अदाकार उमर शरीफ के मौलाजा ने जर्मनी के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था जहां इन्हें निमोनिया होने और एयर एम्बुलेंस में रोशनी खराब होने के बाद अदाकार किया जाएगा।